कही थी कि अगर सरपंच नहीं मानते तो जो पंच हैं उनको उनके अधिकार दे देंगे। अगर 9 तारीख को बातचीत सिरे नहीं चढ़ती, क्योंकि वे सीधा सीधा कहते हैं कि टेंडरिंग खत्म हो, तो ये फैसला लागू करने में कितना समय लगेगा? देखिए, आप आंकड़े देखिए, डेली इम्प्रूवमेंट। आज करीबन मैं ये कह सकता हूँ कि डेली के जो 4,000 के आसपास पंचायतें अपने काम पे लग चुकी हैं, जिन्होंने प्रस्ताव पास करके एडमिशन अप्रूवल देने का काम किया है, और टेंडरिंग प्रक्रिया से वो काम अभी धरातल पर आपको आने वाले समय में नज़र भी शुरू हो जाएंगे। टेंडर दे भी दिए गए हैं, उनके उनके एग्रीमेंट भी होने शुरू हो गए हैं। और कुछ जो हमारे सरपंच साथी कह रहे थे, हमने उनसे भी अनुरोध किया कि एक बार इसको इंप्लीमेंट करवाइए, इसमें अगर कहीं कोई समस्या आती है तो दोबारा बैठ के इसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। तो बयान को कैसे देखते हैं सर, उनका बयान? देखिए, बड़े भाई हैं मेरे, और कुछ सोच समझ कर बयान देते हैं मेरे हिसाब से, और जो कोई बदलाव लेके आते हैं वो कहीं नहीं कि दीवानापन उनके अंदर होता है, तभी बदलाव आते हैं। एंट्री को लेकर भी कोई बात हुई क्या, कुछ डिमांड बढ़ाने की, मतलब जो लिमिट? देखिए, चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव सबके लिए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री ने 9 तारीख की मीटिंग बुलाई हुई है, उस पर जो भी हमारी पंचायतें बैठेंगी और माननीय मुख्यमंत्री के साथ उस पर जो फैसला होगा, सरकार उस टाइम उनकी मांग सुनने के बाद उस पर फैसला देखेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है, हाँ, चंडीगढ़ सरपंचों की, हाँ, सरपंचों की तरफ से, सरपंच प्रतिनिधि जो उनका एक बना हुआ है वो आकर मिलेगा। चेयरमैनशिप ट्रैवलिंग की लिमिट 3 किलोमीटर से वो करेंगे 5 की, वो सारे की सारे वो इंडिविजुअल है, वो एक उनकी तरफ से जो भी मांग आएगी उस पर सरकार विचार करेगी। आज की बैठकों में भी ई टेंडरिंग को लेकर बात हुई? नहीं, आज तो आज 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 सिर्फ और सिर्फ कि हम जिला परिषद को कैसे स्ट्रेंथनिंग दे सकें, कौन से काम हैं जो जिला परिषद और कर सके, जैसे उदाहरण के तौर पे सिर्फ और पहले काम बताएंगे कौन से ऐसे काम सामने आए जो उन्हें दिए। जैसे मान लीजिए पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी जो हमारे 5 कर्म के रास्ते हैं कि वो पंचायत हमारे जिला परिषद के द्वारा करवाई जाए, उनको हैंड ओवर लेने की बात है, और भी ऐसे कई प्रकार के जो कार्य हैं जो हमारी जिला परिषद कर सकें वो उनसे। गाँव के नालियाँ भी हैं? नहीं, देखिए गाँव जो गाँव का काम है हमारे पंचायतें हैं वो देखें, ब्लॉक लेवल पर कुछ काम है हमारी ब्लॉक समितियाँ देखें, जिला लेवल पे क्योंकि दायरा बड़ा हो जाता है वो जिला परिषद देखें, उस पर ये चर्चा का आज ये मीटिंग का एजेंडा है। चर्चा ये भी चली हुई है कि जो 5 क्रम के राय थे जिला परिषद बनाएंगे उनकी सिर्फ जो पैचिंग का काम है वो कर पाएंगे। देखिएगा, जो पुराने बने हुए थे डिपार्टमेंट के द्वारा वो हमारी जिला परिषद उनको आगे देख रेख करेंगी, और नए विभाग के द्वारा बना के वो भी हमारी जिला परिषद को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इस प्रकार की अभी चर्चा चली हुई है, उस पर उनके सुझाव हैं सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से हैं, और हमारे जो चुने आए हैं प्रधान उनकी तरफ से, उस पर सरकार एक फैसला लेगी। आने ये कहते हैं सर कि जो ये ई टेंडरिंग है ये सरकार को वापस लेनी पड़ेगी जिस प्रकार से किसान आंदोलन के दौरान? देखिए, ये सरकार का फैसला है, मैं पहले भी आप लोगों के माध्यम से कह चुका हूँ, इसमें पारदर्शिता आएगी, समयबद्ध तरीके से काम होगा, और जो गांव धरातल पे एक गुणवत्ता के साथ डेवलपमेंट और लोगों को जवाबदेही, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी तौर पर है चाहे हम चुने प्रतिनिधि, हम सबकी बढ़ती है, उस पर सरकार ने फैसला लिया है, और हम सबका ये मानना है कि ये जनहित का फैसला है, प्रदेश का फैसला। जो 9 तारीख को मीटिंग है उसमें क्या होगा? उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उनका सुनेंगे, जैसे मांग पत्र मेरे पास आया था वो अपने जो मांगे हैं सामने रखेंगे, उस पर किन चीज़ों पर जो चीज़ें इंप्लीमेंट होने के लायक है उसको।